नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, एक व्यूअर ने अपने घर बनाने के लिए प्लान भेजा है। दो प्लान भेजे थे, जिस पर कल एक प्लान पर हमने डिस्कस की थी, आज उन्हीं का दूसरा प्लान पर डिस्कस कर रहे हैं। ये पश्चिम मुखी प्लाट पर बनाने जा रहे हैं। ये तो जो कल प्लान पर डिस्कस हुए तो काफ़ी वास्तु दोष थे, इसमें भी काफ़ी वास्तु दोष हैं। ये पश्चिम दिशा है, उत्तर पूरब दक्षिण, ये ओपन एरिया है। ये ओपन एरिया पश्चिम में रख सकते हैं, दरवाज़ा बिल्कुल सही जगह पर है, पश्चिम वायव्य में है। पश्चिम वायव्य में जब दरवाज़ा इस तरह रखते हैं तो एक बात है, ये ओपन एरिया जब यदि बस के ऊपर बालकनी बन गई, कोई आदमी ऊपर बालकनी बनाता है या छत डालता है, तो इसका फ्लोर लेवल कैसा क्या रखा है उस पर इम्पोर्टेंस होती है। इसके फ्लोर लेवल का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक इसके बाद अब आइए, ये ऊपर जाने का जीना है, ठीक है, पर इन्होंने जो रखा है ये तरीका थोड़ा गलत होता है। जीने के नीचे से जाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ हाइट कम आएगी, पर आप इसके नीचे से जाएंगे ये स्थिति अच्छी नहीं होती। तो खुला होना चाहिए, आपकी इंट्रेंस बोलते हैं ना, मुंह है आपका, यानी कि वास्तुशास्त्र में मुख्य द्वार को मुंह की तरह माना गया है, ठीक है ना, और मुंह बड़ा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ये गलत है। री एंट्री जो हो रही है ये पूरे इस पोर्शन में, यहाँ से जो आ रहे हैं तो ये उत्तर वायव्य से हो रही है, पश्चिम उत्तर वायव्य से हो रही है, तो ठीक है, अब ये गलत तरीका, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, और ये तो गलत है ही। इधर आइए, ये बेडरूम है, ये बेडरूम का दरवाज़ा सही है, ये हो गया पूर्व दिशा का हो गया, इसमें अटैच लेट बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये दीवार इनकी पतली और ये दीवार मोटी है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई ईशान को नहीं बढ़ रहा है, तो गलत नहीं है। पर इसमें अलमारी यहाँ पर है, यहाँ अलमारी है। अब जनरली क्या होता है, जब अलमारी बनाते हैं तो 1-2 इंच का पट्टा दे देते हैं, ताकि ऊंचा करके उसमें, ताकि अलमारी नीचे से पोता वोता लगाएं, सफाई करें तो गंदी ना हो, ठीक है ना, खराब हो जाती है लकड़ी, तो ये गलत होता है, इधर अवॉइड करना चाहिए। और यहाँ भी बनाते वक्त जमीन के लेवल पे बनाना चाहिए। इधर आइए, या फिर उसका और तरीका भी है कि आगे पट्टी लगा दें, अंदर से हालो रखें, उसके ऊपर बना लें, वो भी एक तरीका है, वो डिटेलिंग है उसमें बहुत सारी। ये दरवाज़ा गलत है, ये हो गया आपका पश्चिम निरुत का, दक्षिण निरुत का हो गया दरवाज़ा बैठक का, ये दरवाज़ा गलत है, ये ठीक है, ये सही है। ये बेडरूम का दरवाज़ा दक्षिण निरुत का हो गया, ये भी गलत है, ये पलंग भी गलत लगा हुआ है। जब यहाँ दरवाज़ा है तो ये पलंग है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आदमी 8-10 घंटे सोएगा थका थका उठेगा। दूसरा, ये टीवी की जगह है, तो यहाँ से जो प्राइवेसी खत्म होती है। कभी भी आप बनाइएगा, वास्तु के साथ साथ व्यवहारिकता भी देखिएगा। आपको पलंग इस तरह लगाना चाहिए, टीवी इस तरह लगाना चाहिए कि आपकी प्राइवेसी बनी रहे, ठीक है ना, तो ये गलत है। इधर आइए, किचन इन्होंने दिया, किचन सही जगह अग्नि कोण में है। किचन में यूटिलिटी यहाँ दी, यूटिलिटी की बिल्कुल सही जगह पर है, पर इनने ओपन किचन रखा है, यहाँ से यहाँ भी ओपन है, यहाँ भी ओपन है। अब आप इतना बड़ा कहें तो ये किचन के पार्ट हो जाएगा, जब किचन का पार्ट हो जाए तो उस केस में क्या कहेंगे, किचन यहाँ तक बढ़ गया, पूर्व का प्रभाव मिलने लग जाएगा, क्योंकि किचन के पार्ट है ये। आपको यहाँ डोर देना चाहिए कि किचन की लिमिट खत्म हो गई, यहाँ किचन डोर देना चाहिए, ताकि हम बोलेंगे किचन में डोर लगा हुआ है ना। यूटिलिटी में दरवाजे से जाना चाहिए। इस स्थिति में क्या है कि पूर्व के प्रभाव पड़ेंगे, जो घर की महिला है सब कुछ हो तो नाखुश रहेगी, उससे यूट्रस रिलेटेड समस्या होगी, उसको मतलब जो है आपका ब्लड सर्कुलेशन की समस्या होगी, डिप्रेशन वाली बात आएगी। ओपन किचन है, घर के मुखिया की दोस्तों की संख्या कम होगी, रिश्तेदारों से शत्रुता रहने लगेगी, हो जाएगी, मतलब हालात ऐसे बनेंगे। कोई कंसीव करने गए तो उसको कंसीव करने में दिक्कत आएगी, और ऑलरेडी बच्चे तो बच्चों की तरक्की में बाधा आएगी, ये गलत है ना। तो इसको यहाँ दरवाज़ा चाहिए, यहाँ चाहिए, पूरी प्लानिंग ही चेंज करना, प्लानिंग प्रॉपर नहीं है। इधर आइए, ये इनका अब ये कट दिया है, अब नॉर्थ ईस्ट में कट दिया तो क्या होगा, अब आपको रोशनी के लिए इसको ढकना पड़ेगा, यदि रोशनी भी रहे पर ढकना पड़ेगा, आपको ग्रिल लगानी पड़ेगी, उसका प्रॉपर तरीके से इसे नॉर्थ ईस्ट कटा माना जाएगा। अब वो प्लान के ऊपर डिपेंड करता है, प्लानिंग क्या है इसके ऊपर, मतलब हर फ्लोर पे आपको ग्रिल लगानी पड़ेगी, पर कोशिश करना चाहिए ये इधर देने की बजाय मध्य में देके और दें, ईशान कोण में नहीं देना चाहिए, ईशान कोण कट हो जाता है, ऐसा खतरनाक कट नहीं है पर फिर भी गलत है। क्यों कि आपने छत पे जाके आप देंगे, फिर छत ऊंचा करेंगे ताकि ऊंचाई देंगे थोड़ी, इस पर जाके इस डक पर तो ही हवा पानी ऊपर से आएगी, 1-2 फीट ऊंचा करेंगे तो आपके ईशान कोण ऊंचा हो जाएगा छत पे जाके, तो ये गलत तरीका है, तो इसमें काफ़ी दोष है। इनको चाहिए कि जो कल वाला प्लान भी गलत था, ये प्लान भी गलत है, दोनों प्लान पर ना वर्क करके एक प्रॉपर वास्तुनुकूल प्लान बनाएं, ताकि इतना पैसा लगाने के बाद जिंदगी दुर्भर हो तो क्या मतलब है। जिंदगी की सरलता के लिए वास्तुनुकूल घर होना बहुत जरूरी होता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद
और भी महत्वपूर्ण बातें हैं, अंडरग्राउंड टैंक कहाँ रहेगा, बोरिंग कहाँ रहेगा, पानी की व्यवस्था क्या रहेगी, छत पे पानी कहाँ रहेगा, और ठीक है ना, और सेफ्टी टैंक की जरूरत है तो कहाँ सेफ्टी टैंक बनेगा, बहुत सारी बातें उनका भी ध्यान रखना होगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको भी पसंद आया होगा। नमस्कार।